स्टार शाइन्स। तो मैं अब नहा ली हूँ और अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि कल रात भी तबीयत ठीक नहीं थी और सुबह भी ठीक नहीं थी, तो अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने अब खाना बनाना है। तो मैंने पूछा है सबसे कि क्या खाने वाले हैं सब, क्या मन है, तो सुबह बहुत हैवी नाश्ता हो गया था, तो इसीलिए अब सबने बोला है बस पालक के पराठे दही के साथ खाने हैं। तो अब मैं चलती हूँ पालक के पराठे बनाने के लिए, और देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। जल्दी से बनाते हैं पालक के पराठे, उसके बाद थोड़ा सा बाहर का काम है वो भी करना है, तो चलते हैं बाहर बनाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और ये रहा मेरा पालक, ये है आटा, और अब इसमें मिला लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो मैं फटाफट से हैंड वॉश करके और स्टार्ट करती हूँ आटा लगाना। आटा, आटे में पालक, ये है सारा पालक, पालक मैंने धो लिया था ना, धो के मैंने निकाल लिया था, और इसमें चाहिए प्याज चॉपिंग प्याज, ओके ये देखा प्याज लहसुन अदरक, देखो कैसे बन रहा है, इसमें अगर मैंने प्याज कटिंग वैसे करके डाली तो फिर वो ये जाता है ना, फिर उसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, गरम मसाला साथ साथ में चेयर भी बोले जा रहे हैं, और जीरा, जीरा और अजवाइन, अजवाइन आटा लग गया, चटनी बन गई, अचार, दही, अब बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर है दही, चटनी, कैर सांगरी का अचार और पालक का पराठा। लो मिशा, थैंक यू मम्मा, रख दो, बटर लगा लेना, खा लो। श्रीयन कैसा लग रहा है? सही। अच्छा, हाँ। श्रीयन किससे खा रहा है, दही से? मैं चटनी से खा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। खाओ श्रीयन, अपने आप भी खाया करो। नहीं, आज तो दही है। अच्छा, हाथ गंदे हो जाएंगे। वैसे बहुत टेस्टी बनाया आपने। अम्मा, आपने वैसे बहुत टेस्टी बनाया। ये है मिर्ची वाला बड़ों के लिए। ले आओ। ये आपके लिए मिर्ची वाला, क्योंकि बच्चों ने तो सिंपल खाने थे। ये है सांगरी का अचार, सांगरी का अचार कल भी अच्छा आपने उसमें डाला था, चीले में। और ये चटनी भी है। लो बोलो, बताओ कैसा लगा पराठा? तुमने खाते हैं? बहुत टेस्टी है। हाँ, मैंने फ्लेक्स डाल दिए बच्चों को खिलाने के बाद में। मम्मा, आपने बहुत अच्छा बनाया।
अब तुम तीनों खाओ और मैं तुम्हें खिलाती हूँ, फिर मैं खाऊंगी बाद में। ओके। हो गया मेरा काम, मैंने क्लीन कर दिया तो मैंने सबको खिला दिया। अब मैंने अपने लिए भी बना लिया, अब मैं खाऊंगी। थोड़ा सा लेट तो हो गया है, खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। हेलो, हम दोनों गेम खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं खा लेती हूँ क्योंकि थक भी गई हूँ। मैंने भी वही सब लिया जो था। श्रीयन हाय कह दो सबसे। मैंने अपना खाना खत्म कर दिया। फिनिश किया ना अपना? हाँ, अब मैं भी कर लेती हूँ अपना। तुम देख तो जैसा कि अब खाना वाना खा लिया है हमने, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि विंटर वैकेशन शुरू हो रहा है या न्यू ईयर पे जा सकते हैं। 25th of December आ रहा है, उस पर लोग टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो मैंने इसीलिए ये वेस्ट बैग मंगवाया है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है मीशो से, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये शायद 300 के अराउंड है कुछ, और ये वेस्ट पे इस तरीके से बन जाता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें दो चेन है, हाँ दो चेन है, एक फ़ोन के लिए और एक अपना आप पैसे की जो भी रखना चाहते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी बेल्ट भी अच्छी क्वालिटी की है, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हो। और मैंने एक ये वाला टॉप लिया था जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी पहना है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आया था, प्रिंटेड टॉप है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, बहुत अच्छी लेंथ का है। और इसका ये नेक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाला नेक जो होता है ना, ये मेरा फेवरेट नेक है, तो इसका भी बहुत अच्छा है। और इसी नेक की वजह से मैंने ये चेन मंगवाई थी, ये भी मीशो से ही है। तो इसके ऊपर जब मैंने ऐसे ये करके पहना था तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था, क्योंकि आजकल गोल्ड कोई भी नहीं डालता है, हर कोई ये चेन डालता है, और ये चेन आजकल ट्रेंड में भी है। और इसमें बहुत मोटी भी चलती हैं, हल्की भी चलती हैं, पर मैंने ये लिमिट थी थोड़ी, मतलब लिमिटेड सी है, अच्छी है ये, ना मोटी है ना पतली है। और मैंने सर्दियों की वजह से मैंने ये मंगवाया है। मीशा तुम क्या कर रहे हो, ऐसे सीरियस होके बैठ जाओ। तो मैंने ये मंगवाया लिप बाम, ये लिप बाम नहीं, ये लिप स्क्रब है, और ये लिप बाम का भी काम करता है, क्योंकि जितनी देर तक इसका वो रहता है, क्रीम सा टेक्सचर है इसका, ऑयली सा, तो ये बहुत अच्छा है। मैंने ये भी यूज़ करके देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी मीशो से ही है, मीशो की जो चीज़ें आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं है। ये है कैलिवॉन का बीट रूट लिप्स लाइटनिंग स्क्रब, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें उल्टा दिखेगा। ये कैलिवॉन कंपनी का है बीट रूट लिप्स लाइटिंग स्क्रब, तो ये लाइट भी करता है आपके लिप्स को, अगर किसी के ब्लैकिश है तो लाइट भी करेगा और अच्छा रहेगा। और एक आज मेरा ये पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैं इसको भी अभी कट करके हैंड टू हैंड खोल के देखती हूँ। आओ श्रीयन, श्रीयन बाहर खड़ा होकर देख रहा है, आओ ऊपर आ जाओ। तो ये ऐसी पैकिंग में आया है, अभी देखते हैं कैसा होगा, कट करते हैं, अभी तो मैंने खोल के भी नहीं देखा। ये भी यूज़फुल ही है, अब ये नहीं पता कि ये कैसा आया होगा, क्योंकि मेरे पास गोल केक टिन तो हैं पर ये ऐसा स्क्वायर में नहीं है, तो ये भी ठीक ही आया है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, ये ऐसा आया है। क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ इसमें क्रिसमस केक, तो ये बहुत नीड थी मुझे इसकी, ये अच्छा बनेगा, क्योंकि मेरे पास राउंड में है, इसकी शाइनिंग आ रही है, स्क्वायर में नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये स्क्वायर में मंगवाया। और इसमें ये पकड़ने के लिए भी दिया हुआ है, कितना सही है, यूज़फुल है। तो ये केक टिन मुझको अच्छा लगा और मैं बहुत जल्द इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि अब सारा ऐसा सीज़न आ रहा है। और मैंने मंगवाया था, आजकल मैं जितना भी अपना मेकअप कर रही हूँ वो सब इस कप्स एंड लैशेस के कंसीलर से कर रही हूँ, जो कि कंसीलर बहुत अच्छा है।
और ये है भी इतनी सुंदर सी शेप में, डायमंड शेप में है ये, ऐसा कितना सुंदर है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है उन्होंने, निधि कटियार ने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और आजकल मैं इसी को ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो स्पेशल थैंक्स टू, स्पेशल थैंक्स टू निधि कटियार। और मैंने ये लिया था लास्ट में ट्रैक सूट, जो कि मैं बहुत जल्दी पहनूंगी, ये पिंक, हाँ पिंक और वाइट ब्लैक, तो ये है, ये मैं बहुत जल्दी पहनूंगी, ये बहुत अच्छा आया है, ये भी बहुत अच्छा आया है। इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रैक सूट ही पहन सकते हो, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो भी आराम से पहन सकते हो, जैसे कि मैं पहनने वाली हूँ। आओ श्रियन, श्रियन कैसा लगा? जब मैं केक बनाऊंगी तो खाओगे ना? केक टिन में देखो, मैंने ये केक टिन मंगवाया है, अभी मैं दिखाती हूँ, ये मंगवाया मैंने, इसमें केक बनेगा तो कौन कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। मैं बनाऊंगी। तुम बनाओगे? तू भी बनाएगी? हाँ। पूरा बोलो दीदी, तुम बनाओगे? बोल दिया तो। तो श्रियन बनाएगा, फिर से कुकिंग करेंगे, श्रियन बनाएगा और मैं कुकिंग करूंगी, हाँ मेरी मम्मी के साथ, और श्रियन भी हेल्प करेगा इस बार हमारी, है ना? छोटा बच्चा। तो चलो, हमने अपनी सारी चीजें शेयर कर दी, अब हम चलते हैं रूम में पापा के पास, ठीक है? श्रियन ने आज बहुत तंग किया है ना, लेटने भी नहीं दिया। किया है? नहीं। अच्छा, इसने लेटने भी नहीं दिया, बिल्कुल रेस्ट करने भी नहीं दिया, हम ऐसे ही उठ के आ गए। और अब हम अपनी नींद भगाने के लिए बनाने जा रही हूँ मैं कॉफ़ी। पियोगे ना कॉफ़ी? मैं नहीं पियूंगी। पियोगे ना कॉफ़ी? और मैं बिल वाले में पिए। देखो कौन से वाले में? बिल वाले में। ठीक है, इसलिए बिल सेता है। ठीक है, तो अभी जो जो कॉफ़ी पियेंगे, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, इतने आप दोनों इन्जॉय करो, टीवी देखो, और हम चलते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। आज मीशा चलेगी नहीं चलेगी मेरे साथ? चलूँगी। तुम भी बनाना हमेशा मेरे साथ ही, ठीक है? तो हम चलते हैं तीनों मिलके कॉफ़ी बनाने के। हमारा दूध बॉयल हो गया है, गैस बढ़ा दी, इतने मैं कॉफ़ी डाल देती हूँ कप्स में, और फिर एक काम चलाओ उसी ट्रिक अपना लेंगे। बन गई कॉफ़ी। और मम्मा जी देखो कॉफ़ी। यस, श्रियन भी बना रहा है। और मम्मा वो देखो, हाँ, ये कॉफ़ी है। हाँ, ये भी है, ये कॉफ़ी है पापा, कॉफ़ी है कॉफ़ी। ये डाल दी मैंने कॉफ़ी, मैंने पाउच में दिखाया, और अब इसमें जाएगी कॉफ़ी, इसमें ओ सॉरी दूध जाएगा, दूध है ना श्रियन? ओ शिट मलाई, ओ शिट, ओ शिट, श्रियन भी रिपीट करता रहता है पीछे पीछे। पापा सुना? तो एक टेक्निक इसकी, भी हम ये डाल के इसमें शेक कर देते हैं। ये रही इसकी टेक्निक। अम्मा मुझे भी देना, मैं कर दूँ। अब इससे इसमें बहुत सारे झाग आ जाएंगे। मीशा, इसमें बहुत सारे झाग आ जाएंगे। इससे अच्छी से शेक हो जाती है। काम चलाऊं कॉफी, ये बन गई मेरी कॉफी, इंस्टेंट कॉफी। चलते हैं लेके मीठे के साथ, मीठा तो कोई खाएगा नहीं बिस्किट। चलिए श्रियन, श्रियन मेरे साथ बनवा रहा था। श्रियन हटना, ये लो बन गई। वाओ, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। बाय।
मेरी भी कॉफी आ गई, आपकी भी कॉफी आ गई। ये देखो कितना अच्छा आ रहा है ब्लू क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, मेरी तरफ रोशनी है। तो हम पी लेते हैं अपनी कॉफी, दोनों एंजॉय करते हैं। हाँ श्रीयन की भी है, तो चलो अब हम अपनी कॉफी एंजॉय करते हैं और आप सब भी एंजॉय कर लो, जो कोई जो जो कर रहा है। हाँ बाय, टेक केयर, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। श्रीयन बाय करो, बाय बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।